देश में जो मुस्लिम गुंडागिरी चल रहा है उसके विरोध में वो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध क्रम होना है। जो SDPI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो उग्र संगठन है, वो उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको अलग कर उनको डिस्टेंस कर धर्म पे ना पर झगड़ा लगाना चाहते हैं। गुंडागर्दी करेगा उनका विरुद्ध ठीक स्वरूप से एक कानूनात्मक कार्रवाई होना चाहिए। जो धरना कार्यक्रम चल रहा है, ये देश में जो मुस्लिम गुंडागिरी चल रहा है उसके विरोध में मुस्लिम है, मैंने भारत के मुस्लिम नहीं, भारत के मुस्लिम उसके पूर्वजों या 50 साल 100 साल गए तो यही भारतीय है। हमारा झगड़ा जो आक्रमणकारी है, अकस्मात वो मुस्लिम है, आक्रमणकारी के विरोध के ऊपर जो आकर देश की आंतरिक व्यवस्था में गड़बड़ी करना चाहता है, उन लोगों के खिलाफ ये धरना है। ये कल जो धरना मुस्लिम का प्रतिभटन हो गए, वो साफ कर दिया है कौन भारतीय है कौन नान भारतीय है। भारतीय लोगों को झगड़ा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हर भारतीय चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो संविधान के लिए पालन के लिए तैयार है। संविधान के विरोध में देश में आंतरिक गड़बड़ी करने वाला कुछ ही लोग है, मुष्टि भर लोग है, वो मिसगाइड कर रहे, पूरे देशभक्त मुसलमानों को भी मिसगाइड कर रहे। मुस्लिमों को जागरूक करने के लिए, ऐसे गुंडों के तरफ जागरूक रहने के लिए और हिंदुओं को भी सजग सचेत करने के लिए पूरे देश भर में आज जागरूकता है। जैसे ओवैसी ने कहता है कि हिंदुओं मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये गड़बड़ी में जो गड़बड़ चलता है उसमें मुस्लिम या हिंदू नहीं होता, कौन पे रोड पे होता है उन मार खाते हैं। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों को बोलते हैं, क्या आप अपना नाता भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं, कि आक्रमणकारी मुगलों बाबर अकबर औरंगजेब के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन लोगों से आप डिस्टेंस रखिए और भारत के साथ रहिए। ये आप गड़बड़ी में मत उलझानिए, भारत का संविधान क्या कहता है उसके साथ करने के लिए, शान से प्रतिभटना करने के लिए हर एक को भारत में अधिकार है, संविधानगत अधिकार है, वो अधिकार पालन करते हुए शान से रहना चाहिए। क्योंकि हम साल भर हम आपस में रहना चाहते हैं, तो इसलिए ये जो SDPI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो उग्र संगठन है, वो उन्हें भड़काने का काम कर रहे, उनको अलग कर उनको डिस्टेंस कर धर्म पे ना पर झगड़ा लगाना चाहते हैं, उनसे दूर रहकर मुस्लिमों ने राष्ट्रभक्ति जगाना है। ये अपना भारतवासी है, भारत के लड़ूंगा ऐसा मानसिकता बढ़ाने में बहुत संगठन आज बोल रहे हैं कि ये गलत है, संविधान के ऊपर जाना है, कानून पालन करना है, बोलना ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है, इसको पालन करते हुए हम करना है। और हिंदू को भी बोलना है कि ऐसा लोगों को पकड़ कर उनको जो गुंडागिरी करते हैं उनको देश से या जिला से बाहर डालना चाहिए, बंधन करना चाहिए। उसके जैसा UP सरकार ने सख्त से सख्त कदम लिया है, हर सरकार जो राज्य सरकार है उनके जवाबदार है वो करना चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल में खुलाआम छोड़ दिया है गांधी, वैसा नहीं होना चाहिए। ये कानून का प्रतिपादन करने का राज्य सरकारों का काम है, किसी का चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनका जो कमान है आस्ती है उसके ऊपर कुछ नुकसान चाहिए नहीं, उनका जीव का हानि नहीं होना चाहिए, वैसा प्रतिभटना चाहिए। और कानून जो पालन देता है, कोर्ट क्या डिसीजन देता है, वो सब हम पालन करना है। आज गुलबर्गा में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत बजरंग दल के नेतृत्व में एक प्रतिभटना सत्याग्रह चल रहा है। आज देश के हर जिला केंद्र में ऐसा सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह कौन, धरना कौन, मतलब आज देश में प्रतिभटना जो करता है वो शांत रूप से नहीं हो रहा है। एक प्रतिभटना गत हफ्ते में शुक्रवार के दिन नमाज के बाद मस्जिद से जो आया, उनमें कुछ लोग गुंडागर्दी की है। हमारा विरोध जो है वो प्रतिभटना शांत रूप से करना है, वो हिंसात्मक प्रतिभटना नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी किया, लूट लिया, आग लगा दिया, पत्थर फेंका, इसलिए जो प्रतिभटना करना है वो शांत रूप से करना है।
जो गुंडा लोग है, गुंडा मानसिकता लोग है, वो जिहादी मानसिकता वाले लोग है, उनके विरुद्ध क्रम होना है। किसी भी प्रोटेस्ट हो, किसी भी कार्यक्रम हो, किसी भी उद्योग हो, वो संविधानात्मक कानूनात्मक होना चाहिए। इसके विरुद्ध में कौन कौन काम करेगा, कौन कौन ऐसा गुंडागर्दी करेगा, उनका विरुद्ध ठीक स्वरूप से एक कानूनात्मक कार्रवाई होना चाहिए।